स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन की तरफ से लोकार्पण, लखनऊ से बड़ी खबर है। प्रेस क्लब में हुआ स्वर्ण जोड़ ओ ऐप का लोकार्पण। राष्ट्रीय प्रमुख संरक्षक रहे मौजूद। गजेंद्र मणि त्रिपाठी ने सभा को किया संबोधित। ऐप पर स्वर्ण परिवार के लोग भेजेंगे अपनी समस्याएं। स्वर्ण महासभा करेगा समस्याओं का निदान। स्वर्ण महासभा फाउंडेशन की तरफ से लोकार्पण है, लखनऊ से बड़ी खबर। प्रेस क्लब में हुआ स्वर्ण जोड़ो ऐप का लोकार्पण। राष्ट्रीय प्रमुख संरक्षक रहे मौजूद। गजेंद्र मणि त्रिपाठी ने सभा को किया संबोधित। ऐप पर स्वर्ण परिवार अपनी ग्रीवियंसेस, अपनी समस्याएं, अपने सुझाव एक फोरम पर दे सकता है, जिसका लाभ पूरे समाज को मिलेगा और इससे राष्ट्र की उन्नति में जो हमारे प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं उसमें प्रगति का फायदा होगा। देखिए, सवर्णों का दर्द, मैं ब्राह्मण हूँ, सवर्ण समाज से आता हूँ और मैं संवैधानिक रूप से सवर्ण हूँ। संविधान में सवर्णों को अपर कास्ट का एक डिवीजन कर दिया गया है। अगर हम उससे आते हैं तो हमें अपने समस्याओं का, मैं लगातार कई वर्षों से मूल्यांकन कर रहा हूँ और मूल्यांकन के बाद ये समझ में आया कि हमको सवर्ण समाज के लिए एक बेहतर प्लेटफार्म बनाना ही पड़ेगा, तो मैंने इसको बनाया। ज्योति हत्याकांड में 6 लोग दोषी करार, कानपुर से बड़ी खबर है ये। 3 लोगों को कोर्ट ने किया बरी। आठ साल बाद कोर्ट ने मर्डर केस में माना दोषी। कल सुनवाई जाएगी दोषियों को सजा। ज्योति हत्याकांड में 6 लोग दोषी करार, कानपुर से बड़ी खबर है ये। 3 लोगों को कोर्ट ने किया बरी। इस खबर पर हमारे संवाददाता रिजवान मौजूद हैं। 8 साल बाद कोर्ट में मर्डर केस में माना है दोषी, इस पूरी खबर को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? मनीष, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 8 साल पहले का मामला है, जिसको लेकर आज कानपुर कोर्ट ने इस मामले में लेकर कल सजा का सुनाने का वो किया है, जिसके लेकर आज इसमें फैसला ये दे दिया गया है। कल इनको दोषियों, 7 आरोपियों को हेलो जी रिजवान बताइए हेलो हाँ बताइए रिजवान ये लगभग 8 साल पहले का मामला है, जिसमें मैं आपको बता दूं ये हत्याकांड बहुचर्चित हत्याकांड था कानपुर शहर का, जिसमें हेलो जी जी बताइए जिसको लेकर आज कानपुर कोर्ट ने इसमें सजा सुनाई है और इसमें कल सुनवाई की, इसमें आज सुनवाई का काम पूरा कर गया, बाकी कल अपर जिला जज इसमें फैसला सुनाएंगे। जी रिजवान, इस खबर पे आप जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अवैध असलहों पर चला पुलिस का रोड रोलर, हमीरपुर से बड़ी खबर। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों और असलहों को किया नष्ट। अवैध असलहों सहित कई क्विंटल मादक पदार्थों को किया गया नष्ट। असलहों पर चला रोड रोलर और मादक पदार्थों को जलाकर किया गया खाक। एसडीएम और सदर सीओ ने नेतृत्व में हुई ये पूरी कार्रवाई। मुख्यालय के पुलिस लाइन में की गई कार्रवाई। प्रसिद्ध मिठाई की दुकान छप्पन भोग के यहां छापेमारी, लखनऊ से बड़ी खबर है। छप्पन भोग की मिठाई के गोदाम पर जीएसटी की छापेमारी। जीएसटी की टीम लगभग 2 घंटे से कर रही है छापेमारी।
छापेमारी के दौरान कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। सदर क्षेत्र स्थित छप्पन भोग की दुकान का है पूरा मामला। ये श्रीकांत त्यागी हुए जेल से रिहा, नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। परिवार के साथ मनाएंगे दीपावली। श्रीकांत को दो दिन पहले हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। गौतम बुद्ध नगर की लक्सर जेल से रिहा हुए श्रीकांत त्यागी। श्रीकांत की रिहाई पर पत्नी ने त्यागी समाज का जताया आभार। बीते 8 अगस्त को जेल गए थे श्रीकांत त्यागी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।